और फाइनली दोस्तों हमारा जो है पिंजरा तैयार हो गया है, इसकी दीवारें भी खड़ी हो गई हैं और जो है मैंने ये छोटी सी बनाई थी ये भी तैयार हो गई है। बस अब हमें फ्रेम लगाना है और इसके अलावा फ्रेम के अंदर ये गेट लगेगा ये फिक्स करना है। इस वजह से हमारा थोड़ा सा टाइम लग गया, नहीं तो ये आज कंप्लीट हो जाता पिंजरा। तो इंशाल्लाह आज कल में हम ये गेट वगैरह भी लगा लेंगे और हमारा पिंजरा फिर तैयार हो जाएगा। इसी के साथ साथ माह रमज़ान की दूसरी सहरी हो गई है और अब जो है मैं इनको बना रहा हूँ दूसरी सहरी। जैसे कि मेरे पास अभी मौजूद है ये रोटी और रोटी में डालूँगा इनको, तो रोटी को रखते हैं यहाँ पे और अभी जो है इनको खोल कपड़ा वगैरह हटा के तो फिर इनको डालते हैं दाना और रोटी वगैरह। और दोस्तों हमारी तो सहरी हो गई है और अब मैं इनको सहरी करा रहा हूँ और अब मैं इनको सुबह जल्दी डालने लग गया खाना, क्योंकि काफ़ी देर हो जाती है इस वजह से। तो अब ये रमज़ान रमज़ान जल्दी नाश्ता किया करेंगे अपना। तो फाइनली मैंने इनको जो है रोटी भी डाल दी, ये भी खा रहे हैं और इसके अलावा ये भी खा रहे हैं। तो इनको मैंने दाना पानी कर दिया है, अब मैं इनको ढक देता हूँ क्योंकि अभी धूप आ जाएगी, तो इस वजह से फिर इन पर धूप आएगी तो गर्मी लगेगी इनको, इस वजह से मैं हल्का सा कपड़ा ढक दे रहा हूँ। तो ये हल्का सा कपड़ा ढक दिया मैंने और इसी के साथ साथ मैंने जो है अपनी गोनिया फॉल को भी रोटी वगैरह डाल दी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आज बस मैंने इनको खोला नहीं है लेकिन रोटी वगैरह डाल दी है, तो अंधेरा हो रहा है इस वजह से सही नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैंने जो है रोटी वगैरह सब डाल दी इनको भी और इनको भी। तो रोटी डालते डालते काफ़ी ज़्यादा रोशनी भी हो गई है, मतलब सुबह का टाइम है और रोशनी भी काफ़ी हो गई है। तो यहाँ पे करते हैं ब्लॉग को एंड। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा जो है पिंजरा पूरा तो बस थोड़ा सा रह गया और वो भी तैयार होने वाला है। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।